नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। नौतनवा महाराजगंज, सोमवार को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश का नौतनवा तहसील इकाई का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल की देखरेख में हुए गठन में अध्यक्ष हेमंत यादव, उपाध्यक्ष सुदेश त्रिपाठी, अमित सिंह, महामंत्री संजय कुमार, सचिव सतीश चंद्र यादव, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष देवांश जायसवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए मधुर श्याम दुबे, अजय अग्रवाल, मनोज पांडे, राजकुमार गुप्ता, सतीश त्रिपाठी चुने गए। सभी पदाधिकारियों को वरिष्ठ पत्रकार यशोदा श्रीवास्तव ने निष्पक्ष व ईमानदार पत्रकारिता की शपथ दिलाई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण होता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें आप जिसकी सख्त सूरत है वही दिखता है। पत्रकारिता भी ऐसी ही होनी चाहिए, जो आप जैसा देखें उसे शब्दों में वैसे ही परोसते हैं, यही असली पत्रकारिता है। जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने कहा, हमारा संगठन पत्रकारों की समस्या के समाधान के लिए सदैव और अंत तक तत्पर रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों से कहा, यह हमारे संगठन की मजबूती का साक्षी है। इंडो नेपाल बॉर्डर न्यूज पोर्टल के प्रधान संपादक गुड्डू जायसवाल ने कहा कि नौतनवा तहसील नेपाल सीमा का क्षेत्र है, जहाँ अपराध व अन्य जरायम की संभावना अनंत है। अपराध की खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है। पत्रकारों के लिए सबसे अधिक चुनौती यही है। हम सबका दायित्व है कि हम मिलजुल कर संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। नवगठित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में तहसील क्षेत्र के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल के सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। महाराजगंज से अमजद खान की खास रिपोर्ट।